हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मालवीय और आप देख रहे हैं मनस डिजिटल यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप जो है टैबलेट या लैपटॉप का यूज़ करते हैं और आपका जो टैबलेट या लैपटॉप है बहुत ही ज़्यादा लैग करने लगा है, बहुत ही ज़्यादा वर्किंग प्रोसेस टाइम लेने लगा है, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने विंडो 10 के लैपटॉप को या पीसी को या जो है आप किसी भी तरह का टैबलेट यूज़ करते हैं उसको आप जो है किस तरह से फास्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कमांड्स बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप अपने लैपटॉप या पीसी को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप एक ऑनलाइन शॉप संचालक है तो आपके पास में लैपटॉप या पीसी होगा और आप जो है उसके स्लो परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हैं या बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आप बोर हो गए हैं उसको चला चला के, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिन कमांड्स को आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप जो है उन कमांड्स का यूज़ अपने लैपटॉप या पीसी पे कर लेते हैं तो आपका लैपटॉप या पीसी, तो जिस तरह से जब आप नया लैपटॉप परचेज करते हैं उस टाइम जब आपका लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस होता है सेम उसी तरह से आपका लैपटॉप या पीसी यहां पे परफॉर्मेंस करने लगेगा। तो चलिए बिना टाइम के शुरू कर लेते हैं वीडियो को, मैं लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अभी जो है मेरे खुद के लैपटॉप का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है, तो मैंने सोचा कि अभी इस ट्रिक को यहीं से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों के साथ में लाइव शेयर कर सकूं सारा कुछ। तो चलिए फिर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, बाकी का वीडियो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बता देता हूं। सो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप अगर मेरे लैपटॉप को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं कोई भी प्रोग्राम अगर ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं कितना क्लिक कर रहा हूँ, मतलब कितना ज़्यादा लैग कर रहा है यार मेरा लैपटॉप की मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। यहाँ पर जो है मैंने अपने लैपटॉप में माउस को लगा कर रखा है, लेकिन फिर भी देखिए आपको यहाँ पर आवाज़ आ रही होगी कि मैं कितने ज़्यादा क्लिक कर रहा हूँ। और अगर किसी भी चीज़ को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ओपन होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर हम बात करें एडोब रीडर की तो एडोब रीडर भी यहाँ पर बहुत ही लेट और बहुत ही स्लो चल रहा है। देखिए, मैंने क्लिक कर दिया है लेकिन फाइल अभी तक ओपन नहीं हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपका भी सिस्टम इसी तरह से लैग कर रहा है तो आपको क्या करना है? तो दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर सर्च बॉक्स में आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च कर लेना है रन, RUN। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप रन कमांड को सर्च करेंगे, उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख लेना है क्लीन MGR। मैं यहां आपको स्क्रीन पे भी बता दे रहा हूं, तो यहां पर आप टाइप करेंगे क्लीन MGR, उसके बाद आप सिंपली ओके वाले बटन पे प्रेस करेंगे या इंटर करेंगे तो आपके पास में यहां पर जो है सी ड्राइव ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर आपका सी ड्राइव सिलेक्ट नहीं हो तो आपको यहां पे सी ड्राइव सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ इस तरह की एक प्रोसेसिंग होने लगेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो आपका जो डिवाइस है सी ड्राइव जो है वो यहाँ पर क्लीन होने लगता है। उसके बाद दोस्तों आपके पास में यहाँ पे इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास इस तरह के फाइल फोल्डर आ जाते हैं जो कि आपके काम के नहीं है, तो आपको अगर इनको यहाँ पे जितने भी फाइल फोल्डर ऐसे हैं उनको डिलीट करना है तो आप यहाँ सिंपली उन पे चेकमार्क करेंगे, उसके बाद आप यहाँ ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिलीट के लिए कहा जाएगा, तो आप डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर देंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जितनी भी ऐसी फाइल थी जो कि आपके काम की नहीं है, जो कि आपके सिस्टम को हैंग कर रही है, वो सारी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दोबारा से रन कमांड टाइप कर लेना है, सर्च बॉक्स में जाना है, रन टाइप कर लेना है RUN, इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अब दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रीफेच, तो यहाँ पर आप लिखेंगे PREFETCH, उसके बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में कंटिन्यू के लिए कहा जाएगा, तो आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके पास में यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स आ जाएगी। देख रहे हो दोस्तों कितना सारा डाटा यहाँ पर डला हुआ है। अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए करना है, मतलब सभी को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन को प्रेस कर देना है। तो ये आपसे पूछेगा आर यू वॉन्ट टू शो परमानेंटली डिलीट दिस आइटम्स, तो आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हो तो आपकी सारी फाइलें यहाँ से डिलीट हो जाती है। अगर एकाध फाइल कोई रह जाती है तो आप उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि वो जो फाइल होती है अभी के टाइम में रनिंग में है इसलिए वो डिलीट नहीं हो सकती, तो हम यहाँ इसको स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी हमारा सारा का सारा डाटा हमने क्लियर कर दिया है। उसके बाद आपको इस वाले बॉक्स को कट करना है, यहाँ पर आपको दोबारा से रन कमांड को टाइप कर लेना है RUN, इंटर प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है परसेंटेज का साइन, उसके बाद आपको लिखना है TEMP टेम्प, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है दोबारा से परसेंटेज का साइन ले लेना है और आप ओके पर क्लिक कर देंगे। मतलब ये टेम्प्ररी होता है, टेम्प्ररी वाला टेम्प आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो आपके पास में यहाँ पर आपको बहुत सारी टेम्प्ररी फाइल एंड फोल्डर्स दिखाई देंगे, आपको सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करना है, उसके बाद जो है आप शिफ्ट के साथ में डिलीट वाला बटन प्रेस कर देंगे
तो ये आपसे पूछेगा कि आर यू वांट टू शो परमानेंटली डिलीट दिस आइटम्स, तो आप यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेम्प्रेरी फाइल्स है वो भी यहाँ पे डिलीट होने लगेगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ फाइलें छूट जाती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ फाइलें छूट चुकी है, तो आपको क्या करना होगा, इस वाले बॉक्स को आपको क्लोज करना है सबसे पहले। तो उसके बाद दोस्तों आपको इन फाइलों को यहाँ पे एक एक करके डिलीट कर देना है, तो ये एक एक करके इजीली डिलीट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कुछ फाइलें इसमें से डिलीट नहीं भी होगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फाइलें जो है डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुछ फाइलें ऐसी रहेगी जो कि अभी रनिंग में है, तो वो फाइलें यहाँ से डिलीट नहीं हो पाएगी, तो आप उनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है आप दोबारा से भी कभी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इस वाले डायलॉग को क्लोज करना है, यहाँ पर आपको दोबारा से आ जाना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है आर यू एन रन कमांड, यहाँ पर आपको फिर से टाइप करना है टी आर डबल ई ट्री, आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके कर देते हो दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पे एक इस तरह की प्रोसेसिंग होगी, जैसे कि आपने देखा आपके सिस्टम में ज़्यादा टाइम्स भी हो सकती है अगर आपके पास में ज़्यादा टेम्प्रेरी फाइल्स रहे या ज़्यादा अगर आपका डाटा रहा, तो अदरवाइज ये बहुत ही क्विक हो जाती है। तो दोस्तों उसके बाद जो है आपका जो सिस्टम है यहाँ पर बहुत ही स्मूथ चलने लगेगा। अब आप देखिए कि हमारा जो रिफ्रेश है, अभी आपको मैंने लाइव दिखाया सारा कुछ कि अभी जो है मेरा सिस्टम कितना ज़्यादा लेग कर रहा था, और अभी जो है हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा हो गया है। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपका जो लैपटॉप है बहुत ही स्मूथली वर्क करने लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल बना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हाँ पहले आपके लैपटॉप में और अभी आपके लैपटॉप में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।